अजमेर की टाडा मामलों की स्पेशल कोर्ट आगामी 30 सितंबर को लश्कर ए तैयबा के कुख्यात आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के खिलाफ आरोपों पर फैसला सुनाएगी। 5 ट्रेनों में बम ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच अजमेर की टाडा स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। टुंडा को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की डासना जेल से अजमेर लाया गया था, जबकि इसी मामले में उसके दो साथी इरफान और शमशुद्दीन को भी अदालत में पेश किया गया। यह दोनों आतंकी अजमेर की जेल में बंद हैं। लश्कर ए तैयबा के आतंकी टुंडा पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर देश भर की 5 ट्रेनों में बम ब्लास्ट कर आतंकी कार्यवाही को अंजाम दिया था। इस मामले में तत्कालीन टाडा कानून के तहत टुंडा को गिरफ्तार किया गया था। टुंडा के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अदालत में आज चार्ज बहस की गई। अदालत ने इस फैसले में चार्ज पर अपना फैसला सुनाने के लिए आगामी 30 सितंबर का दिन तय किया है। सर, किसको पेश किया था और क्या मामला? आज अब्दुल करीम टुंडा, शमशुद्दीन और इरफान खान को पेश किया था टाडा कोर्ट ने। आज चार्ज के ऊपर आर्गुमेंट थी। ये जो 5 ट्रेन बम ब्लास्ट हुए थे देश के अलग अलग कोनों में, उसको क्लब करके एक टाडा कोर्ट में एक में कर दिया गया था। तो आज उसी के मामले में चार्ज पे बहस थी। क्या रहा आगे? नहीं, चार्ज पे बहस होगी। अगली तारीख जो कोर्ट का फैसला होगा वो 30/9 को, इसी महीने की 30 तारीख को जनाब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। कहां से लाया गया? जो अब्दुल करीम है उसको गाजियाबाद की डासना जेल से, जो बाकी दो मुलजिम है वो यहीं अजमेर जेल में ही है। हाँ जी, शमशुद्दीन और इरफान तो जो गाजियाबाद जेल से लाए हैं, और अब्दुल करीम अलियास टुंडा जो गाजियाबाद डासना जेल से लाए गए हैं। ठीक है, आपका नाम बता दें। मेरा नाम विनीत वर्मा, एडवोकेट।